बात मैंने देखा कि हमारे एक साहब ने, हमारे एक साथी ने एक चीज भेजी थी स्पेन में एक म्यूजियम में, म्यूजियम चर्च, उसको म्यूजियम बनाया गया है। उस चर्च में एक कमरा है जिसमें उन्होंने एक मूर्ति बनाकर रखी है, एक मुसलमान सजदे में है और उसके ऊपर एक ईसाई बाइबल लेके खड़ा है उसकी पीठ पर, और उस ईसाई के कंधे पर यहूदी खड़ा है। तो लोग देख करके मजाक उड़ाते हुए जा रहे, मुसलमान सजदे में है, ईसाई उसकी पीठ पर खड़ा है और यहूदी उसके कंधे पर है। ये बताना चाह रहे थे लोग कि यहूदी सबसे आला है, ईसाइयों के भी कंधे पर है और ईसाई मुसलमान के पीठ पे है। मुसलमान तो देखो जमीन पर गिरा हुआ, जमीन पर गिरा हुआ। ये म्यूजियम में एक मूर्ति बना करके रखी, एक रिब्बी यहूदी, वो भी देखा और खटक गया और कहा मैं म्यूजियम वाले से बात करना चाहता हूँ। कहा ये मूर्ति बदलो, बदलो इसको। कहा ये तो तुम्हारी शान में बनाई गई यहूदियों की। कहा बदलो इसलिए कि इसका दूसरा मैसेज ये है, अगर ये मुसलमान उठ गया, अगर ये मुसलमान उठ गया तो ईसाई भी खतरे में है और यहूदी भी खतरे में। अजीजा ने गिरा में बुखार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुसलमान सोया हुआ है, गफलत की नींद में है और हम इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये कौम उठ गई, बेदार हुई। यकीनन बहुत लोगों के वजूद को खतरा है, बहुत सारे लोगों के खड़े होने के लिए भी खतरा है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ों के जमाना छाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, जहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम।